मैं मैरोली प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर हूँ। और सर 91 से हम लगातार काम कर रहे हैं। 19 साल मैंने आंगनबाड़ी वर्कर में काम किया है और 4 मई से 2011 से हम सुपरवाइजर में काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ डिपार्टमेंट को भी कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो ICL कंपनी में हमारी सविता जी बैठी थी, मतलब हमारा इंटरव्यू भी हमारे डिपार्टमेंट ने लिया, हमारा सिलेक्शन भी डिपार्टमेंट ने किया, काम भी हम डिपार्टमेंट के लिए कहते हैं। तो जो डिपार्टमेंट आउटसोर्स कह रहा है वो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? और एक तरफ कहते हैं महिलाओं का डिपार्टमेंट और एक तरफ महिलाओं के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं, जो बात हमें बिल्कुल। और सर हमारा 8:30 से मानो 4 बजे ड्यूटी है, 6-6 बजे तक बैठ के ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस से भी काम रह जाता तो हम घर में जाके अपने बच्चों से काम कराते हैं। उसके बावजूद हमारी सरकार से दो ही मांगे, हमें हमारी नौकरी चाहिए और समान काम का समान पैसा। और बहुत सारे भेदभाव भी कि अगर रेगुलर सुपरवाइजर है वो अंगूठा नहीं लगाएगी, 2007 की सुपरवाइजर है वो अंगूठा नहीं लगाएगी, हमें कहते हैं तुम अंगूठा लगाओगे। तो सर डिपार्टमेंट में बहुत सारा भेदभाव भी है और उनकी परफॉर्मेंस भी CDPO देती है। तो सर बहुत सारी नीतियाँ जो डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल गलत है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं सिसोदिया जी हमारी बात सुने और हमें समान काम के समान पैसे चाहिए, हमारी यही मांग है। धन्यवाद। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइजर सांख्यिकी और निम्न विभाग और लिपिक चपरासी लोग यहाँ 14 दिन हो गए यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर मनीष सिसोदिया के निवास स्थान पर, परंतु अभी तक इनकी बातों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बड़ी बात तो यह है कि आज इनका करवा चौथ का व्रत है, जो महिलाएं घर में अपने पति अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था वो आज यहाँ ऑन रोड पर अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इनका कहना है ठेकेदारी प्रथा को बंद करो और हमें परमानेंट करो की बात कर रहे हैं। आज इन्हें 14 दिन लगातार हो गए। और एक युवा साथी हैं, उन्होंने तो बताया कि जब वोट मांगने जाते हैं हमारे घर पर जाते हैं, हम चाय पिलाते हैं और इनको और सम्मान देते हैं। आज 14 दिन हो गए लगातार हमें यहाँ बैठे हुए, लेकिन किसी भी मंत्री ने या किसी भी जो सदस्य जो डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं अभी तक उन्होंने हमसे आगे ये नहीं पूछा कि आप लोग क्यों बैठेंगे कैमरा। तो आइए, इस तरीके की जो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और मनमानी के लिए कह रहे हैं नहीं चलते और नहीं हम तो आपसे भीख मांगते। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, मथुरा रोड, दिल्ली से।